सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कुशमांडा आईएएस एचसीएस एकेडमी को और दबाएं नोटिफिकेशन बेल को ताकि आपको हमारी सभी अपडेट मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से कुशमांडा एकेडमी में। और हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा नायब तहसीलदार वाले एग्जाम के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है जनरल साइंस वाले क्वेश्चंस पर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कोवलेंट, चार ऑप्शन है आपके सामने, जिंक क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट। तो उसका करेक्ट आंसर है आपका बी, एल्यूमिनियम क्लोराइड। और आप मेरे साथ साथ कीजिए, और अगर आपको नहीं आते हैं तो आप इन्हें लर्न कर सकते हो, इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। द प्रॉपर्टी विच इज सीन इन लाइट वेव बट नॉट इन साउंड वेव इज, ठीक है, जो आपकी प्रकाश तरंग है उसमें मिलती है लेकिन ध्वनि तरंग में नहीं मिलती है। तो डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन और इंटरफेरेंस, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है आपका, तो आपका सी ऑप्शन है, पोलराइजेशन। आयरन एंड मैग्नीज आर रिमूव्ड इन वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ, ठीक है, पानी से आयरन और मैग्नीज को किस प्रोसेस से अलग किया जाता है। तो चार ऑप्शन हैं, देख लेते हैं, आप भी कोशिश करो, तो पढ़िए आप एक बार। तो इसका आपका डी है, एरेशन। क्वेश्चन नंबर 304, विच एंजाइम इज ऑब्टेंड फ्रॉम रेड ग्राम, ठीक है, तो रेड ग्राम से कौन सा मिलता है, तो जाइमेज, माल्टेज, डायस्टेज और यूरेज। कोशिश कीजिए आप मेरे साथ साथ, इसका आपका डी ऑप्शन है। ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज ए हाफ लाइफ और फोर मंथ्स, थ्री मंथ्स ऑफ द सब्सटेंस विल डिके इन, तो 305 इसका ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपका क्रिप्टो, क्रिप्टेरोफिली मींस, ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स, पॉलिनेशन ऑफ बाय विंड, पॉलिनेशन बाय बैट और प्रोडक्शन ऑफ लीव्स। अच्छा सवाल है, तो इसका ये है आपका पॉलिनेशन बाय बैट। विच वन अमोंग द फॉलोइंग इज ए सॉलिड लुब्रिकेंट, ठीक है, सॉलिड लुब्रिकेंट कौन सा है इनमें से, और चार ऑप्शन, जर्मेनियम, सल्फर, ग्रेफाइट और ईडियम। 307 के लिए इसका सी है आपका। लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, आसान सवाल है, सबने जवाब दे दिया है पढ़ने से पहले ही, नर्व सेल। नर्व सेल हमारी सबसे लंबी कोशिका होती है ह्यूमन बॉडी में। द एसिड रेन डेस्ट्रॉयज द वेजिटेशन बिकॉज इट कंटेन्स, तो एसिड रेन में क्या होता है जिससे कि वो वेजिटेशन को डिस्ट्रॉय कर देती है, तो 309 का आपका सल्फ्यूरिक एसिड, पीछे हम कई बार बात कर चुके हैं एसिड रेन के ऊपर कि उसमें क्या क्या होता है। एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट इज कॉल्ड, 310 इसका बी है आपका, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। और उसके बाद 11, कास्टिक सोडा इज डेलिक्विसेंट, ऑक्सीडेंट, रिडक्टेंट और इफ्लोरेस सेंट। तो क्वेश्चन के ऑप्शन देख लेते हैं, इसका है आपका ए वाला ऑप्शन। रेड लाइट इज यूज इन ट्रैफिक सिग्नल फॉर स्टॉपिंग द ट्रैफिक बिकॉज, तो लाल लाइट का हम क्यों इस्तेमाल करते हैं ट्रैफिक सिग्नल में, ठीक है, आसान सवाल है। इट इज द लीस्ट स्कैटर्ड एंड हैंस कैन बी इजिली नोटिस फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है ना, तो ये स्कैटर्ड कम होती है और दूर से भी आप देख सकते हो और रंगों के मुकाबले। वॉट इज न्यूरोन, न्यूरोन क्या होता है, तो बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, बिल्कुल इसका पहला वाला ऑप्शन ही है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसका, उसकी बेसिक यूनिट है। 314, ए सेल्यूलोजिक वॉल इज फाउंड इन सेल्स ऑफ, आसान सवाल है, सेल्यूलोज की जो भित्ति है वो किसकी कोशिकाओं में होती है, हाँ बिल्कुल प्लांटों की, पादप, सही जवाब है आपका। 315, फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी इज, ठीक है ये भी बड़ा आसान सा सवाल है, तो नेफ्रॉन होता है, ठीक है ना, फिल्ट्रेशन यूनिट जो है आपकी नेफ्रॉन। और नेक्स्ट है आपका न्यूट्रिटिव इशू इन द सीड्स ऑफ हायर प्लांट्स इज नोन एज, चार ऑप्शन है, बताइए क्या जवाब हो सकता है। न्यूट्रिटिव टिश्यू इन द सीड्स ऑफ हायर प्लांट्स, तो इसका 316 का आएगा डी, एंडोस्पर्म। एक बार फिर से बता देता हूँ मैं, नायब तहसीलदार वाले एग्जाम के लिए हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर।
तो आप मेरे साथ कीजिए और नहीं तो आप लर्न कर लीजिए। यीस्ट इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ, तो यीस्ट में क्या होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है, इन्वर्टेज होता है, तो 3-1-C का है आपका बी। एंजाइम्स आर, एंजाइम्स क्या होते हैं, एस्टेरॉइड्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या प्रोटीन्स होते हैं, तो 3-1-8 का है आपका डी, एंजाइम्स आपके प्रोटीन होते हैं। ठीक है, एंजाइम्स का नाम आपने सुना होगा। हीटिंग ऑफ ए और बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट द एब्सेंस ऑफ एयर इज नोन एज, ठीक है, कोई और है अयस्क है जिसको गर्म किया जाता है उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, एब्सेंस ऑफ एयर हवा की अनुपस्थिति में, तो वो क्या कहलाता है। 319 का इसका आपका है सी, कैल्सिनेशन, सी ऑप्शन आएगा इसका। द मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट अमोंग द फॉलोइंग इज, ठीक है, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट पूछा गया है, तो 320 का ऑप्शन आएगा आपका इसका बी, फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 9 होता है। मार्क द कंपाउंड विच पजेसेस आयनिक कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, 321 इसका आपका अमोनियम क्लोराइड सेकेंड ऑप्शन। द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज मेनली ड्यू टू, आसान सवाल है सबको आता होगा, ठीक है ना, CFC की वजह से, आपने क्लोरो फ्लोरोकार्बन पढ़ा होगा, बिल्कुल सही जवाब है। तो द मैच करेक्टली द इन्फेक्शियस एजेंट्स गिविन लिस्ट 1 एंड डिजीजेस कॉज्ड बाई गिविन लिस्ट 2, तो कुछ बीमारियां दी गई हैं और कुछ उनकी वजह बता रखी है, कालाजार, ट्यूबरक्लोसिस, इन्फ्लुएंजा, रिंग वर्म, ठीक है, तो वायरस से आपका ये इन्फ्लुएंजा होता है, बैक्टीरियम से आपका TB होता है, फंगस से आपका रिंग वर्म होता है और आपका ये तो इस तरीके से हम देखें 2, 3, 4, 1, तो 2, 3 इसका बना आपका ये बैक्टीरियम का TB हो गया, एक का दूसरा, तो ये आपका ये हमें नजर आ रहा है सी वाला ऑप्शन, 324 का सी ऑप्शन है। और मैटर वेव्स आर 324 इसका आपका बी ऑप्शन है, डी ब्रोजाइल वेव्स, व्हेन द मिल्क इज चर्न्ड विग्रसली द क्रीम फ्रॉम इट्स सेपरेटेड ड्यू टू, आसान सवाल है, सेंट्रिपिटल फोर्स है कि सेंट्रीफ्यूगल, 325 में दोनों में से एक से ही आपका पता चल जाएगा, तो ये आपका है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। 326 गैस थर्मामीटर्स आर मोर सेंसिटिव देन द लिक्विड थर्मामीटर्स बिकॉज द गैसेस, ठीक है, गैस थर्मामीटर, तो उसमें 326 के ऑप्शंस देख लेते हैं, इसका आपका बी ऑप्शन है, हैव लार्ज कोफिशियंट ऑफ एक्सपेंशन, तो एक बार फिर से बता देता हूँ, मेरे साथ साथ आप कीजिए, नहीं कर पा रहे हो तो आप लर्न कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, 327, तो आप कोशिश कर सकते हो, तो इसका है आपका सन अपीयरिंग एट रेड एट सनसेट, ठीक है, नॉट पूछा गया है, ठीक है, नॉट पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 328, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ ओपियम प्लांट वी गेट मॉर्फिन, मॉर्फिन जो है हम ओपियम के किस भाग से प्राप्त करते हैं, तो 328 का है आपका, जो ऑप्शंस देख लेते हैं, इसमें आपका डी है आपका, फ्रूट कोट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोलॉजिकल मेथड ऑफ सोइल कंजर्वेशन, तो इसका है आपका कॉन्टोर फार्मिंग। ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ, 330 एक्सोस शुगर। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरियल सेल इज, 331 इसका है आपका डी, 0, ठीक है, जो आपकी बैक्टीरियल सेल होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। और उसके बाद है आपका रैम्बो इज फॉर्म ड्यू टू, रैम्बो का जो निर्माण होता है वो किस वजह से होता है, तो इसके ऑप्शन है आपके सामने, थ्री थ्री टू का इसका डी ऑप्शन है आपका, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 333, गोल्डन व्यू ऑफ सी शेल इज ड्यू टू डिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, पोलराइजेशन और रिफ्लेक्शन, तो इसका सी है आपका, पोलराइजेशन। एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
टू द स्क्वायर ऑफ टाइम इट्स एक्सेलरेशन इज 334। तो इसका आपका डी ऑप्शन है, कॉन्स्टेंट। इफ द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 4 टाइम्स इट्स मैक्सिमम हाइट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, इसका बी है आपका 45 डिग्री पर, ठीक है ना। तो किस रेंज से हम किसी चीज को फेंके जो ज्यादा दूरी पर जाकर गिरे, 45 डिग्री पर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैज लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट, सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका है इसमें से 336 का, तो वो है आपका सी मरकरी। द गैस प्रोड्यूस्ड इन मार्शी प्लेसेस ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन इज, तो 337, तो ये आपका मीथेन। आसान सवाल है, कई बार पूछ लेते हैं मार्स गैस कौन सी होती है, ठीक है मीथेन। इन कैक्टस द स्पाइंस आर मॉडिफाइड, तो जो आपके कांटे होते हैं कैक्टस वगैरह में वो क्या होते हैं, ये सवाल है 338, आसान सवाल है। पत्तियां होती हैं, जो आपकी पत्तियां होती हैं वही कांटों में बदल जाती हैं। द स्मॉलेस्ट नॉन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इज, तो आपने देखा होगा ना कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो तरीके की सेल होती हैं, जो प्रोकैरियोटिक हैं ठीक है यूनिसेलुलर होते हैं, तो उसमें पूछा गया कौन सा सबसे स्मॉल है, तो इसका है आपका ये माइकोप्लाज्मा। अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट व्हाट कैन बी थॉट ऑफ एज द जेनेटिक लिबर्टी दैट कीप्स लाइफ लॉन्ग ऑन अर्थ, चार ऑप्शन है, इसका डी ऑप्शन है बायोडाइवर्सिटी। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस एट हायर एल्टीट्यूड इज ड्यू टू, ठीक है ऊंचाई पर जो है पानी का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है क्यों, तो इसका बी ऑप्शन है लो एटमोस्फेरिक प्रेशर, जो आपके पहाड़ होते हैं ऊंचाई होती है वहां पर वायुमंडलीय दबाव कम होता है। आसान सवाल था। द केमिकल नेम ऑफ हाइपो कॉमनली यूज्ड इन फोटोग्राफी इज, फोटोग्राफी में किसका इस्तेमाल होता है, ये भी आसान सवाल है, जवाब दीजिए। तो हाँ सब जवाब आ भी गए हैं इसके, 342 का है आपका सोडियम थायोसल्फेट, हाइपो पूछा गया है ठीक है ना। सोल्डरिंग ऑफ टू मेटल्स इज पॉसिबली बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ, सोल्डरिंग ऑफ टू मेटल्स इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ, तो इसमें 343 के ऑप्शंस देख लेते हैं, इसका डी ऑप्शन है कोहिजन। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट फॉर्म टू द प्रेसिपिटेशन ऑफ, तो 344 इसका डी ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, 345 का आपका डी है ठीक है हर्माफ्रोडिटिज्म। इन विच रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज द लेमेन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम लाई, 346 का बी ऑप्शन है आपका अल्ट्रावायलेट। एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विच इज यूज्ड ए सोर्स ऑफ डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल करंट एट कॉन्स्टेंट वोल्टेज अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन इज कॉल्ड, तो इसके ऑप्शन देखते हैं 347 के, इसका बी ऑप्शन है आपका बैटरी। ए लाइट वेव इज इंसिडेंट ओवर ए प्लेन सरफेस विद वेलोसिटी एक्स आफ्टर रिफ्लेक्शन द वेलोसिटी बिकॉज, 348 का बी ऑप्शन है आपका 2x। द एरिया रिजर्व फॉर वेलफेयर ऑफ वाइल्ड लाइफ इज कॉल्ड, वाइल्ड लाइफ के लिए रिजर्व एरिया 349, इसका डी है आपका नेशनल पार्क। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नायब तहसीलदार वाले एग्जाम के लिए डिस्कस कर रहे हैं, आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, अगर आप कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप इन्हें लर्न कर लीजिए, अच्छे सवाल है। द गैस डिजोल्व इन वाटर मेक्स इट बेसिक इज, ठीक है तो 3550 का है आपका ए अमोनिया, ठीक है अमोनिया मिलाने पर वो बेसिक बन जाता है। येलो कॉम्प्लेक्शन मीडियम स्टेच्यूर ऑब्लिक आई विद एन एपिथेनिक फोल्ड इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, 3551 का आपका है सी मंगलॉइड। क्रोमोसोम्स डिजाइनेशन ऑफ टर्नर सिंड्रोम में जो है आपका क्रोमोसोम का डिजाइन क्या होता है, तो 352 की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसका होता है आपका ए, ठीक है तो ए है आपका, तो ए का मतलब यह है कि 44 तो आपके ऑटोसोम्स हो गए और एक्स आपका सिंगल, तो वो टर्नर सिंड्रोम बन जाता है।
ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि ये जो है आपका 45 के आसपास हो गए, ठीक है नहीं, एक मिस होता है, जैसे 46 होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 353, डिस्टेंस्ड ऑब्जेक्ट आर विजिबल एज लिटिल आउट ऑफ फोकस इन दिस कंडीशन, ठीक है, तो दूर के जो है सब्जेक्ट, दूर का जो ऑब्जेक्ट है आपका वो साफ नजर आता है, ठीक है, और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट आर विजिबल, तो इसको दूरदृष्टि दोष बोलते हैं, तो इसके लिए आपका है हाइपरमेट्रोपिया। मैक्सिमम ऑक्सीजन इज अवेलेबल फ्रॉम फाइटोप्लैंकटन, और इन ए रिएक्शन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, वन कुड एंश्योर इट टू बी ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। द अमाउंट ऑफ मैटर इन ए बॉल स्टील इट्स मास ट्रांसपायरेशन इंक्रीजिज इन 357, इसका है आपका डी, हॉट ड्राई एंड विंडी कंडीशंस। If xylem and phloem are arranged in same radius, such a vascular bundle is called. ठीक है, xylem और phloem जो है आपका, तो इस पर सवाल पूछा गया, आपको पता होगा ये आपके पौधों के ऊतक होते हैं, ठीक है ना, जो एक पानी लेकर चलता है एक फूड, तो 358 की बात हम कर रहे हैं, तो इसका आपका डी ऑप्शन है, कोलेट्रल। प्लैंक्स कॉन्स्टेंट हैज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट बाई नंबर इन द लिविंग सिस्टम, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन, 360, इसका ए ऑप्शन है आपका हाइड्रोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना हेल्प्स टू कंक्लूड दैट लाइट इज ट्रांसवर्स वेव, लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव, 361, इसका बी है आपका पोलराइजेशन। Among the following districts of Tamil Nadu, which district is unfit for cultivation due to increased salinity? तो इसका आपका सी ऑप्शन है। Natural system of classification was proposed by 363, का है बी, स्वेडिश। Minamata disease is caused by pollution of water by mercury. द किंग ऑफ मेटल्स इज गोल्ड। अमीनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ, आसान सवाल है, प्रोटीन, 366, पढ़ा होगा आपने 9th क्लास में। द मोस्ट सुटेबल यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग न्यूक्लियर रेडियस इज फर्मी। ब्लोइंग एयर विद ओपन पाइप इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस। क्रिसमस फैक्टर इज इन्वॉल्व इन 369, ब्लड कोगुलेशन। हु इज द ऑथर ऑफ बुक रोमांसिंग विद लाइफ, 370। विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन बर्निंग, 371, इसका बी है आपका ऑक्सीजन। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नाइट्रोजन इज एस्टिमेटेड बाय, 372, दुमास मेथड। मास्टर कॉपी ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज 373, इसका ये है आपका डीएनए, ठीक है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन आपके डीएनए में होती है। और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इन मार्केट कंटेन, 374, स्टेरॉइड्स हार्मोन्स। और निमेटोसाइट आर प्रेजेंट इन सी एनिमोन। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन मिल्क कर्डलिंग, 376, लैक्टोबैसिलस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल मोलिक्यूल, 377, का है सी, मैगनीज। When a body falls from an aeroplane, there is increase in its kinetic energy. What does ozone layer absorb? Ultraviolet rays. In a water lifting electric pump, we convert 380 electrical energy into kinetic energy. The type of mirror used in automobiles.
सी द ट्रैफिक ऑन द रियर साइड इज कॉनवेक्स, जो साइड वाला शीशा नहीं होता, उत्तल उत्तल आपका यूज होता है. द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ गैस फ्लेम इज नॉन एज 382, नॉन ल्यूमिनस जोन. ठीक है, जहां पर हमें आग नहीं नजर आता, पीलापन नहीं नजर आता, वो सबसे ज्यादा गर्म होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज लीस्ट वेवलेंथ, सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, एक्सरे की. द अर्थ इज ए बैड एब्जॉर्बर एंड बैड बैड रेडिएटर ऑफ हीट. BCG वैक्सीनेशन इज गिवन एट द एज ऑफ newborn. Which of the following atmospheric gases constitute greenhouse gases? आसान सवाल है. तो एक तो आपका CO2 है, नाइट्रस ऑक्साइड है, वाटर वेपर है. ठीक है, तो 386 का जो जवाब आना चाहिए आपका 134 बी ऑप्शन आएगा. हाइड्रोजन बम इज बेस्ड ऑन, तो इसका लिए होता है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन. डी ऑप्शन है, दो एटम से एक एटम बनता है. ठीक है, फ्यूजन. तो द कॉमनली यूज सेफ्टी फ्यूज वायर इज मेड ऑफ, जो फ्यूज वायर है वो किसका बना होता है, तो ये आपका है टिन और लेड का. एट वॉट टेम्परेचर इज द डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम. 389 का बहुत आता है सवाल ये भी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर. द लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड रॉड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स, 390 का भी है. टाइम ऑफ हीट फ्लो, कैथोड रेज व्हेन ऑब्स्ट्रक्टेड बाय मेटल कॉज इमिशन ऑफ. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप मेरे साथ साथ करो, नहीं तो आप इन्हें लर्न कीजिए. 391 का है बी, एक्सरे. हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, 392 एरिस्टोटल. और द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, अच्छा सवाल है, 393 फैमिली, इन चारों में से पूछा गया है. और उसके बाद है आपका 394, एरेनकाइमा इज प्रेजेंट इन, एरेनकाइमा इज प्रेजेंट इन 394 का है आपका सी, एक्वेटिक प्लांट्स. द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेस नाइट ब्लाइंडनेस. क्लोव इज ए ड्राइड फ्लावर बड, ऑन हीटिंग जिप्सम लॉसेस सर्टेन परसेंटेज ऑफ इट्स वाटर कंटेंट एंड बिकम्स, इसका है सी, प्लास्टर ऑफ पेरिस. द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन इज चैडविक. द बबल्स इन शैंपेन एंड सोडा आर, जो बबल्स आपके सोडा में शैंपेन में हमें नजर आते हैं वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड. गोबर गैस में मेनली क्या होता है, 400 नंबर क्वेश्चन. तो इसके जो ऑप्शन है आपके, ये मीथेन. ठीक है, मीथेन होता है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमारे नायब तहसीलदार वाले एग्जाम के लिए. आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, नोट्स भी आप मंगा सकते हो. धन्यवाद.